ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, और दिखाएंगे निरसा में कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया पोलिंग बूथ, और चर्चा करेंगे रतलाम में लाउडस्पीकर को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव की कार्यवाही पर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूरजपुर जिले के रामकोला का रहने वाला है और बड़े ही शातिराना अंदाज से आरोपी धर्म और नाम बदलकर नौकरी के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की टीम ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी का नाम जमीर खान है और उसने खुद को क्रिश्चियन धर्म का प्रदीप टोपो नाम बताकर एक बुजुर्ग से उसके परिवार के सदस्य की नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी को वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने उसके बाद कई और लोगों को अपने झांसे में लिया और जिस भी मिलता है उन्हीं के धर्म का होने वाला बताता है। जिस बुजुर्ग से उसने पैसों की ठगी की थी उसे कहा था कि शिक्षा विभाग में उसकी अच्छी पकड़ है और वो खुद एक शिक्षक है। आरोपी मोहम्मद जामिन खान, पिता मोहम्मद नईम, 30 वर्ष साकिन रामकोला का रहने वाला है, रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये एक बुजुर्ग है प्रदीप टोप्पो, पिता स्वर्गीय बुजरू टोप्पो, उम्र 55 वर्ष, नरसिंहपुर का रहने वाला है। इसका ग्राम चढ़गढ़ में एक चाय की दुकान है और वहाँ पर ये 1-1.5 साल पहले इससे यही बोल के मिला कि मैं शिक्षा कर्मी वर्ग 2 में हूँ और मेरी अच्छी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अच्छी पहचान है। आपके घर परिवार में अगर कोई बेरोजगार युवती या युवक है मैं उसकी नौकरी लगवा दूँगा। इस तरह से वो 3,20,000 रुपया ले लिया और उसके परिजनों की किसी की नौकरी नहीं लगवा पाया। जब ये लोग अपना पैसा मांगने लगे तो इनको धमकी चमकी करने लगा और बोला कि मैं पैसा नहीं दूँगा, तुम मेरा जो करना है कर लो। और प्रार्थी प्रदीप टोप्पो थाना में कल दिनांक लिखित सूचना लेके आया है, दिया था, जिसमें 420, 419 और 506 भादेवी का मुकदमा कायम किए हैं। आरोपी जामिन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको माननीय न्यायालय आज पेश करेंगे। धर्म भी बदल लेता जामिन खान अपने आप को एक क्रिश्चियन आदिवासी लड़का है बोल के प्रदीप टोप्पो के पास भेंट मुलाकात किया था और यही बोल के उनका विश्वास जीता है और उसी विश्वास का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए इनसे 3,20,000 रुपये की ठगी किया है। आइए जानते हैं इस विषय में थाना प्रभारी सुधीर मिंज का क्या कुछ कहना है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर नई दिल्ली से है, जहां डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से दिल्ली के अंदर जब चुनाव हो रहे हैं शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं, इसी को लेकर नई दिल्ली के डीसीपी ने चुनाव को लेकर बोला सभी जगह चुनाव आराम से हो रहे हैं, किसी भी पोलिंग बूथ पर कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। छठे चरण का मतदान हो रहा है और चुनाव कब चल रहा है और सिक्योरिटी के लिए क्या कहना चाहिए? हमने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के परव्यू से एडिक्वेट सिक्योरिटी स्टाफ लगाया है, एडिक्वेट पर्सनल हर जगह लगाया है और सभी अभी सामान्य सिचुएशन है। उनका एज पर जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उन्होंने उसका अरेंजमेंट किया, हमारा काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ऐसा कोई संवेदनशील कोई बूथ ऐसा देखना होगा कि कहीं ना कहीं अभी तक सभी जगह नॉर्मल है। सर क्या कहना? नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां निरसा विधानसभा के गोपालपुर पंचायत के बूथ पर एक अनोखा मामला देखा गया। यहां पर वोटरों की एक अजब ही व्यवस्था की गई थी। जिस तरह शादी ब्याह में खाने पीने एवं फूलों से सजाया जाता है, उसी तरह मुखिया सीखनाग एवं मुखिया पति एवं समाज सेवी सपन नाग गोपालपुर पंचायत को वोटरों के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं सब हमारे निजी फंड से, जिससे वोट देने आए जनता को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। ये अभी इस जो इसका गर्मी का माहौल को देखते हुए जो अभी आ रहे वोटिंग देने के लिए उतना सुबह में किसी का नाश्ता नहीं बनता है, पानी का सुविधा लेके नहीं आता, तो इसमें हमने सारे व्यवस्था किए इसलिए कि मेरा जो जितने भी ग्रामीण वासी है ये तो ग्रामीण वासी को सेवा करना मेरा धर्म है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सेवा के भाव से कर रहे हैं क्या अपने
नहीं सेवा के देखिए सबसे मुख्य रूप है कोई चीज में फायदा सब चीज में नहीं देखा जाए। मेरे ग्रामीण जब हमको चुने हैं तो उसको कभी भी जीवन में कोई दुख ना आए इसलिए हमको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, इसलिए हम उसके हर संकट के आगे हम तैयार रहते हैं। ये इसका निजी फंड से किया गया जो कि इसका सबको सुविधा देना है, किसी को धूप से भी बचाना है और सब जो नाश्ता नहीं किया उसको पेट भर के नाश्ता भी करवाना है ताकि उसका कोई लू भी ना लगे, बहुत समस्या से ना गुजरे वो। इस बार के लोगों में क्या देख रहे हैं जो वोटर आ रहे हैं, तो क्या देख के वोट दे रहे हैं, विकास देख के वोट दे रहे हैं? ये तो एकदम स्वाभाविक है, ये तो हम क्या जनता एक ही चाहते हैं कि जो विकास के कार्य से जो और मेरा देश और अच्छा हो, जैसे कि आप देख रहे देश विकास में चले और उससे भी बेटर है। इसलिए देखिए सबसे पहले ये कि जनता का जो चुनने का सवाल उसके ऊपर में वो क्या चाहते हैं वो बता पाएंगे और हम जो बता पाएंगे कि जनता खुशी रहे। क्या लगता है रुझान क्या लग रहा है इसका इसका मेरे हिसाब से एक ही चीज़ है कि जनता खुशी होकर वोट डाल रहा है, सबसे बड़ा ये आपको हम बता सकते हैं। इस बार बदलाव के रूप देखा जा रहा है क्या जनता? नहीं, इस बार के रूप में हम एक ही चीज़ बता, जनता का मन का बात हम लोग नहीं ना बता पाएंगे, लेकिन इतना तो जरूर बता सकते हैं जनता जब भी वोट दे के निकल रहे खुशी से निकल रहे, जब भी जा रहे तो खुशी से जा रहे। मेरा नाम हो गया सपन कुमार नाग और मैं यहाँ का इसका मुख्यपति हूँ, मेरा ये गोपालपुर पंचायत। झारखंड डेढ़सा से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है जहां दिनांक 17 मई 2024 को कलेक्ट्रेट के भ्रष्ट कर्मचारी अमेश शुक्ला एवं कुछ कांग्रेसियों के द्वारा एक गहरी साजिश रची गई जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर अमिताभ पांडे और रिंकू भैया को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन घटना की सच्चाई ये है कि उक्त रास्ते के पीछे 40 से अधिक प्लॉट लोगों के द्वारा खरीदे गए एवं लगभग 10 मकान भी लोगों ने बना लिए। रास्ते में खंभे एवं जल जीवन मिशन के द्वारा पाइपलाइन भी उक्त रास्ते पर डाल दिया गया था। लगभग 3 वर्षों से लोगों का आवागमन सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन 17 मई 2024 को अमीर शुक्ल के अपने लालच के लिए इस रास्ते को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। घटना के दिन के एक महीने पहले से लोगों ने 2 लाख रुपये वसूली के तौर पर मांग रहे थे। घटना के दिन जब वहाँ लोगों को बताने पर डॉक्टर अमिताभ पांडे और फिर रिंकू भैया मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया तो अमीर शुक्ल ने रिंकू भैया को भी बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अब लोगों ने इन पर FIR करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो सच्चाई आप सभी के सामने है और अमीर शुक्ल भी ये कहते हैं कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि DM SDM मेरी जेब में है, प्रशासन मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। भैया हम सचिन सिंह, हमारा यहीं पास में घर है रायबली में। हम भैया यहाँ माँ दुर्गा नगर में प्लाट लिए थे अपना, काफ़ी समय हो गया, लगभग हो गया साल भर के ऊपर, और उसके बाद ये रास्ता चालू था। फिर हम अपने काम में बिजी थे, अब आके देखा तो हमारा मकान बना पड़ा है और रास्ता पूरा एक कोई अमीर शुक्ला करके हैं जो अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, हम DM पुलिस को समझते नहीं हैं और उनकी वजह से भैया बहुत परेशान है। पूरा रास्ता देखिए, पूरा रास्ता उन्होंने उखेड़ के रख दिया, उधेड़ दिया पूरा रास्ता, और हम चाहते हैं भैया इसका कुछ हम लोग दीजिए, बहुत मुश्किल से हम लोग अपना प्लाट ले पाए, बहुत परेशान है। यहाँ पे प्लाट लिया था तो ये लाइट और ये पानी की जो लाइनें बिछी हैं ये सब थी यहाँ पर कि उसके बाद बिछी? जी तब तो नहीं थी यहाँ पे ये सब खम्भे वम्भे, जब रास्ता दिया गया है उसके बाद धीरे धीरे शुरू हुआ। बीच में हम आए अपने मकान पर तब रास्ता बिल्कुल सही था, 40-45 लोगों का प्लाट है यहाँ पर, मकान बन चुका है, और उसके बाद से अचानक से वो लोग आए लोकल में बताए, हम लोग दबंग टाइप के भैया वो लोग लग भी रहे थे हमें। और ये जो अभी प्लाट आपका अवरुद्ध किया गया है कितने दिन पहले की घटना है ये? जी ये है लगभग 10 दिन पहले घटना है। कहीं पुलिस पे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमने पुलिस पे तहरीर दी अपने वहाँ पे, पर अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई उनसे हुई नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन से और अधिकारी से, जो भी अधिकारी हैं उनसे, कि हमें न्याय दिया जाए, हमारा रास्ता खोला जाए। भैया परिचय देते अपना। जी मेरा नाम शीतलेश सिंह है। ये किन लोगों ने रास्ता रोक दिया है आप लोगों का, क्या दिक्कत आ रही है, पूरी बात बताइए। जी भैया ये अमी कृष्ण शुक्ला जी हैं, जो जब हम लोगों ने यहाँ प्लाट लिए, जब विक्रय इसको विक्रय किया तब क्या कहते हैं यहाँ पे खड़िंजा था हम लोगों का, उसके पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ना खंभे थे ना लाइटें थी, कोई व्यवस्थाएँ नहीं थी। हम लोगों का रास्ता यही है, मेन रास्ता यही, इसी को बता के हम लोगों को दिया गया। जब हम लोगों ने यहाँ 2 साल पहले रजिस्ट्री करवा ली है,
अब यहाँ पे अचानक इन लोगों ने अपना जो खनिजे का मलबा था पूरा जेसीबी के द्वारा मुश्किल से मुश्किल महज एक घंटे में पूरा साफ करवा दिया। हम लोग रहने वाले हैं निवासी लालगंज के, यहाँ पे हम लोगों को जब तक जानकारी होती है यहाँ का सारा मलबा आप देख सकते हैं भैया, आप उधर दिखा सकते हैं कैमरा में कि बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। अब हम लोग किधर से आए जाएं सर, हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं, कोई रास्ता हम लोगों को मिल नहीं रहा है। कितने लोगों ने यहाँ प्लाट लिया होगा? लगभग तकरीबन 45 से 50 लोगों ने लिया है और सभी लोगों का रास्ता यही है, हम लोगों का मेन हाईवे पे निकलने का रास्ता यही मेन रास्ता है और यही रास्ता बंद कर दिए हैं। तो सूचना आपने पुलिस को या जी पुलिस को तहरीर दे दी है? कोई कार्रवाई नहीं जी, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस की तरफ से, ना ही पुलिस वाले यहाँ पे मौके पे जाँच करने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश सिंह है। क्या हुआ है यहाँ दुर्गापुरी में? मैंने अपना प्लाट खरीद रखा था तो अभी हमने देखा है कि 10 दिन पहले जो हमारा रास्ता ख़त्म कर दिया गया यहाँ का, और यहाँ जबकि सरकारी खरंजा और बिजली और पानी की व्यवस्था सब पहले से ऑलरेडी व्यवस्था हो चुकी है, अभी रास्ता बंद कर दिया गया, हम लोग किधर से आएंगे जाएंगे? कम से कम 45 से 50 लोगों का यहाँ पर प्लाट है, तो हम इसकी जानकारी जो है कोतवाली में भी दी जा चुकी है, कोई अमीर शुक्ला करके हैं जिन्होंने ये सब खरंजा वगैरह ख़त्म कर दिया यहाँ पर, तो हम यही चाहते हैं कि ये रास्ता जो है बहाल किया जाए, प्रशासन से और आप लोगों से मीडिया कर्मियों से सब पूरा निवेदन है कि इस चीज़ को मुद्दे से उठाया जाए। कितने परिवार यहाँ पे लोग? यहाँ कम से कम 45 से 50 परिवारों के प्लाट हैं और कुछ मकान भी बन चुके हैं। यही रास्ता है जी? हाँ, मेन रास्ता मेन रोड हाईवे पे जाने के लिए मेन रास्ता यही है जिसको कि बंद किया इन लोगों ने। ये अमीर शुक्ला करके कोई है? दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा रास्ता कोई नहीं, यही एक रास्ता है। पुलिस ने आप लोगों को शिकायत? जी हाँ, हमने कोतवाली में तहरीर दी है, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम मांग यही कर रहे हैं कि ये रास्ता बहाल किया जाए जिससे कि ये सब परिवार लोग और सारे प्लाट के लोग आने जाने का एक मेन रास्ता है, अब बिना इस रास्ते कैसे आवागमन होगा। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर रतलाम से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेशानुसार रतलाम जिले में धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर ज्यादा ध्वनि पैदा करने वाले लाउडस्पीकर के संबंध में रतलाम शहर तहसीलदार ऋषभ ठाकुर द्वारा पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर जहाँ 2 से ज्यादा लाउडस्पीकर लगे पाए गए उनको उतरवाया गया। बता दें कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट, NGT और विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा भी समय समय पर आदेश, निर्देश और गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश के गृह विभाग द्वारा विस्तृत आदेश जारी कर गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए कहा गया। आइए जानते हैं इस विषय में शहर तहसीलदार रतलाम ऋषभ ठाकुर का क्या कुछ कहना है। आज रतलाम शहर तहसील के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व एवं पुलिस के द्वारा जो विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त लाउडस्पीकर बज रहे हैं जिससे कि अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसको लेकर के जिले शहर में कार्रवाई की गई है और जितने भी अतिरिक्त लाउडस्पीकर लगाए गए थे उनको सबको तत्काल मौके से हटा करके अलग करवाया गया है। कितने स्थानों पर कार्रवाई की गई है? लगभग अभी 8-10 स्थानों पर हो चुकी है कार्रवाई और लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।